स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम बैक इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। सो देखिएगा बच्चों, हमने जो इंडियन वीवर्स ये जो पोएम है, इस पोएम के जो क्वेश्चंस है आपके क्वेश्चन बैंक में जो आए हैं, आज के सेशन में कवर अप करेंगे विद सॉल्यूशन। और हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। आप ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो चेक कीजिएगा, गो थ्रू दैट। पहले तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको सारे आपके जो टेक्स्ट बुक में आए हुए लेसन है, प्रोस सेक्शन है और जो पोएट्री सेक्शन है, वो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग एग्जैक्ट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। उसके बाद ही आपको फिर क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप सॉल्यूशन भी एज पर दैट ढूंढ निकालोगे, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट से ही आंसर्स मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, I would like to just do one thing कि यहाँ पर देखिए 15 marks हो गया, तो ये 14 marks का question रहता है poetry का। इसमें रहता है 10 marks के poems related question और 4 marks का आपको appreciation रहता है, ठीक है। So do like share subscribe our channel and keep supporting। देखिए बच्चों, Indian weaver जो है सरोजिनी नायडू जी का जो ये poem आपके टेक्सट बुक में आया है, so this is the first stanza, this is the first stanza, this is the second stanza, this is the second stanza and this is the third stanza। ये बहुत ही short and sweet poem है and yes, मैंने आपको already ये पढ़ाकर upload कर दिया है। I have already taught and uploaded, so playlist में check कीजिएगा। मराठी explanation का link अलग से है, हिंदी explanation का link अलग से है, आप उसमें जाकर lecture check कर सकते हो। चलिएगा, तो आज हम देखेंगे what is the question number A1। A1 क्या दिया है? Fill in the columns based on your understanding of the poem। ये 2 marks के लिए है। तो answer sheet में आप कैसे लिखोगे बच्चों? Answer sheet में आपको the first thing is, ये जो table यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा as it is आपको draw करना है। पूरा का पूरा table आपको answer sheet पे लेना है। आपने सिर्फ fill in the blanks अगर 1, 2, 3 करके लिखा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 आपको fill in the blanks करने हैं। अगर आपने वो number 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख दिया answer sheet में, तो आपको 0 marks मिलेगा। So देखिएगा, ये पूरा टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ द डे क्या दिया है, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो अर्ली इन द मॉर्निंग में टाइप ऑफ गार्मेंट क्या आएगा बच्चों? रॉब्स फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड। सो आपको ये आंसर तो इधर से ही मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको पोएम से ही आंसर मिलने वाले। देखिए, रॉब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, टाइमिंग क्या है यहाँ पर, दैट इज ब्रेक ऑफ अ डे। ब्रेक ऑफ डे यानी क्या? मॉर्निंग का टाइम रहता है, सो अर्ली इन द मॉर्निंग। टाइप ऑफ गार्मेंट क्या हो गया? रॉब्स फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। कलर ऑफ गारमेंट देखिएगा, आपको फर्स्ट स्टैंजा में मिल जाएगा। यहाँ पर कलर कौन सा दिया है? ब्लू। यानी कि आपके सामने आंसर से सिर्फ आपको उनको ढूंढ के अच्छे तरह से प्रेजेंट करना है। एंड फॉर होम, दिस इज फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड, दिस इज फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइप्स ऑफ गारमेंट आपको लिखना है, रोब्स फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, कलर ऑफ गारमेंट ब्लू, एंड फॉर होम न्यूबॉर्न चाइल्ड। फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए वो मनाए जा रहे हैं। अगेन हमें देखिए सेकंड, इसमें यहाँ पर ये ब्लैंक रखा है कि टाइम ऑफ द डे क्या रहेगा। सेकंड स्टेंजा में आप जाओगे तो आपको सेकंड स्टेंजा में पता चल जाएगा कि टाइम ऑफ द डे क्या है। यहाँ पर क्या आया है? एट फॉल ऑफ नाइट। एट फॉल ऑफ नाइट का मतलब होता है लेट इन द इवनिंग। सो यहाँ पर गारमेंट क्या है? मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन। उसके बाद कलर दिया है पर्पल एंड ग्रीन। फॉर होम, तो फॉर होम हम कैसे ढूंढेंगे? दैट इज ऑफ अ क्वीन, ठीक है। सो किसके लिए ढूंढ रहे हैं ये कपड़े? क्वीन के लिए। आपको आंसर मिल गया। आपको पर्टिकुलर स्टेंजा को अच्छे से देखना है, इसके लिए आपने पहले वो एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है वो देखिएगा, तो वहां पर आपके सारे क्वेरीज डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखते हैं कि थर्ड में क्या आया है, दैट इज इन द डेड नाइट, ठीक है। इन द डेड नाइट टाइप ऑफ गारमेंट क्या यहाँ पर ढूंढ रहे हैं? डेड मैन्स फनरल श्राउड। इसका कलर आपको इधर ही मिल जाएगा, दैट इज व्हाइट कलर है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको उठाकर यहाँ पर लिखना है, एंड दिस इज फॉर होम डेड मैन, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चार जो ऑप्शन है, रॉब्स फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसके बाद लेट इन द इवनिंग, क्वीन, एंड फोर्थ आपका आएगा कलर ऑफ गारमेंट व्हाइट। ये एज इट इज अगर आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो आंसर शीट पर, तो 2 out of 2 मार्क्स आपको आपके आंसर इस आंसर के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल है और आसान तरीके से हमने इसके आंसर भी ढूंढ लिए। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर A2। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब अबाउट व्हाट वीवर्स कंपेयर द गारमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर वीवर्स ने जो गारमेंट बुने हैं उन्होंने इसको कंपेयर किससे किया है? पहले देखिए, आपको आंसर शीट में ये भी एज इट इज आपको लिखना है। ये एज इट इज आपको वेब
चार्ट जो है ये ड्रॉ करना है, नहीं तो आप नंबर वन नंबर टू इस तरह से नंबर वन नंबर टू आंसर लिखोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो ये गलत तरीका आजमाना नहीं है, आपको आंसर शीट में ये पूरा वेब ड्रॉ करना है, ठीक है। वेब ड्रॉ करने के बाद ही आपको अच्छी तरह से आंसर्स लिखने हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है और ये वाला आपको चार्ट कंप्लीट करना है, एंड यहाँ पर ये सेकेंड वाला टेबल कंप्लीट करना है। सो दीज आर दी थिंग्स। सो यहाँ पर क्या दिया है, वीवर्स कंपेयर द गारमेंट बीइंग वूवन बाय देम विद, तो कंपेयर किससे किया है, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया है मैरिज बेल्स ऑफ क्वीन विद द फीदर ऑफ अ पीकॉक। देखते हैं पोएम में मैरिज, द मैरिज बेल्स ऑफ अ क्वीन विद द फीदर ऑफ पीकॉक, ठीक है, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, यानी कि फीदर ऑफ पीकॉक, यहाँ पर समझ में आ गया सेकेंड स्टेंजा में। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने फर्स्ट स्टेंजा में आ गए, यहाँ पर आंसर क्या दिया है मैंने, गारमेंट ऑफ अ गे फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड विद ब्लू विंग ऑफ अ हेलकन वाइल्ड एज इट इज, आपको लिखकर यहाँ पे लेना है, दैट इज गारमेंट, ठीक है, गारमेंट ऑफ अ गे एज द विंग ऑफ अ, किस तरह से लिखा है देखिए, गारमेंट ऑफ अ गे फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड विद ब्लू विंग्स ऑफ अ हेलकन वाइल्ड, ठीक है, ये फॉर्मेट आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आया है डेड मैन्स फंडरल श्राउड विद अ फीदर एंड व्हाइट क्लाउड। सो आपको स्टेंजास में आपके जो है पर्टिकुलर आंसर मिल जाता है, लेकिन प्रेजेंट आपको अच्छी तरह से करना है। अगर इसी तरह से आप पूरा चार्ट ड्रॉ करते हो आंसर शीट में तो 2 out of 2 marks आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल सकते हैं। सो चलिएगा A3, ये रहता है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, PR, यानी कि खुद क्या आपका व्यू क्या है वो आपको लिखना है 2 marks के लिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स the steps or measures that you would take to solve the problems of weavers, यानी कि जो बुनाई करने वाले लोग हैं weavers, उनके जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, so उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, ये आपको अपने own words में लिखना। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दिया है, देखिए अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि आप खुद बता रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी वी सिटीजन्स कैन सपोर्ट द वीवर्स बाय बाइंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है, हम उनके प्रोडक्ट्स बाय करके परचेस करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इफ दे प्रूव मोर एक्सपेंसिव एंड लेस एलिगेंट देन फैक्ट्री मेड गारमेंट, देखिए कि हाथ से बुने हुए अगर उनके कपड़े जो फैक्ट्री आउटलेट्स से आपको कपड़े आते हैं उससे उनकी थोड़ी सी क्वालिटी अगर कम ज्यादा हो, थोड़े एक्सपेंसिव हो, फिर भी आपने उनसे खरीदना चाहिए, राइट, एंड वी कैन कीप अ फ्यू वीवर मेड गारमेंट्स इन आवर वार्डरोब टू वेयर देम एटलीस्ट ऑन ट्रेडिशनल ओकेजंस, और आप कभी कोई त्योहार हो, कुछ समय हो, कोई फंक्शन हो तो उस पर वो कपड़े आप वेयर कर सकते हो। इस तरह से आप अपने खुद के अंदाज से ये आंसर दे रहे हो, इस तरह से ये 2 to 3 sentences में आंसर हमने लिखा है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर A4, द राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टेंजा इज AABB, देखिए राइम स्कीम क्या आई है फर्स्ट स्टेंजा में AABB, फाइंड राइम स्कीम इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा एंड ऑल्सो राइट डाउन द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। सो लेट्स गेट बैक टू द पोएम, देखिएगा AABB, डे गे वाइल्ड चाइल्ड, ये राइमिंग पेयर हो गया, ठीक है, और राइम स्कीम क्या आ गई AABB, यहाँ पर नाइट आया है तो नाइट के नीचे ब्राइट, ठीक है, ये आपका राइमिंग पेयर हो गया। देन ग्रीन एंड क्वीन, ये भी राइमिंग पेयर हो गया, यहाँ पर देखिए स्टिल चिल क्लाउड श्राउड, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है आंसर सेकंड स्टैंजा में क्या है, राइम स्कीम AABB, राइम स्कीम द इंडियन वीवर्स जो पोएम है इसमें राइम स्कीम सेम ही है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप राइमिंग पेयर्स यहाँ पर नाइट ब्राइट ग्रीन क्वीन लास्ट वाले जो वर्ड्स रहते हैं जो सेम उनका प्रोनाउंसिएशन आता है वो रहते हैं आपके राइमिंग पेयर्स। थर्ड स्टैंजा में देखिएगा राइम स्कीम क्या है AABB और राइमिंग पेयर्स क्या है स्टिल चिल क्लाउड श्राउड। सो दिस इज द आंसर, यहाँ पर आपको 2 out of 2 marks मिल जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर A5, कंपोज 4 lines ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की अहमियत पर आपने खुद के मन से 4 lines कंपोज करने हैं, एक छोटी सी पोएम आपने कंपोज करनी है, तो देखिए ये आपके ध्यान में भी रहेगी। द अटायर इंडिकेट्स द मैन ही इज, यानी कि कपड़े के पहनावे से इंसान पता चलता है, यस दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। सेकेंड लाइन, His coat brings him confidence and protects too. अगर वो कोट पहनता है तो उसमें आत्मविश्वास आता है। The color indicates her mood and occasion. अगर कोई स्त्री कोई कलर का कपड़ा पहनती है तो उससे उसका मूड और ओकेजन पता चलता है।
द वीवर मेक्स द क्रिसनिंग वेडिंग एंड सेलिब्रेशन, और जो वीवर्स है वो हमारे क्रिसनिंग वेडिंग सेलिब्रेशन के कपड़े बुनते हैं. सो दिस इज द पोयम, अच्छे से लर्न कीजिएगा. 2 out of 2 marks आपके. सो हमने 10 marks का पूरा ये जो क्वेश्चन है 10 marks के लिए आज के इस सेशन में हमने कवर अप कर दिया इंडियन वीवर्स के जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में. आगे के सेशन में हम अप्रिसिएशन देखेंगे 4 marks के लिए, तो वो अप्रिसिएशन रहेगा सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड वॉल्ट विटमन की जो आपको पोयम है उसका. तो जल्दी मैं वो भी लेक्चर अपलोड कर दूंगी. तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा. अगर कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर डाउट्स. एंड यस ऑफ कोर्स जो कमेंट्स आप सबका प्यार मिल रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग. एंड यस ऑफ कोर्स बच्चों शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रही है. कोई भी अगर बच्चा टेंशन में हो तो हमारे लेक्चर से अगर उनका टेंशन फ्री होता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है. हमारे लेक्चर्स फ्री है, कुछ भी किसी भी तरह की फीस यहाँ पर नहीं ली जाती. जस्ट आपको विजिट करना है चैनल को, लेक्चर्स चेक करने और पढ़ाई करना है. ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. चलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.